क्या होता है? डिग्री। आपको जिंदगी में वास्तव में सबसे चाहिए है तो पेन से आपको गुजरना पड़ेगा। मोटिवेशन को मजाक नहीं बनाना है, मोटिवेशन हमें लाइफ में फ्यूल की तरह काम करता है। He is a very good motivational speaker. अभी कुछ दिन पहले हमारे उनसे बात हुई, उन्होंने इच्छा जाहिर की हमारे विद्यार्थियों के सामने प्रेजेंटेशन देने की, मिलने की, बात करने की, क्योंकि वो लगातार कई स्टूडेंट्स के बीच में जाते रहे हैं, उनसे बात करते रहे हैं, उनको क्या चीज़ की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्टडीज जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अलावा। तो ये आपको बहुत अच्छा एक लेक्चर होने वाला है और मैं चाहता हूँ आपको हमारा लेक्चर थोड़ा आधा घंटा लेट हो जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है, आप लोग इसको अच्छे से सुने, डिस्कस करें। इज गोइंग टू इन्वेस्ट विद यू ऑल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल इनवाइट मिस्टर संदीप जी प्लीज फ्रॉम द स्टेज। और एक बार जोर का तालियों का इंपॉर्टेंट है जो होता है हमारे माइंड से। आज आप ये ना जो भी कर रहे हो, आप लाइफ में जो भी किए हो, वो सब किसकी वजह से किए हो? माइंडसेट की वजह से। एक माइंडसेट ही इंसान को बड़ा बनाता है, एक माइंडसेट ही इंसान को छोटा बनाता है। एक माइंडसेट ऐसा होता है और एक होता है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। माइंड की पावर आप सभी जानते हैं, माइंड में इतनी पावर होती है, हमारा माइंड 100 में से सिर्फ 3-5% काम करता है। कितना करता है? 3-5। हम लोग को हो सकता है 2-2.5% ही करता हो, 5% भी उनका करता है जो साइंस राइट। आप लोग मेडिकल लाइन के अच्छे से समझते होंगे। तो हमारा दिमाग जो सोचता है, जो बीप करता है, वही बनाता है। एक कहानी बताता हूँ आप सभी को, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में एक रिसर्च हुई कि हमारे माइंड में कितनी पावर है। तो क्या होगा, वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि चलो एक ऐसे इंसान को पकड़ते हैं जिसकी डेथ होने वाली है। हो सकता है स्टोरी सुनी हो, बट ध्यान से सुनिएगा। तो जब एक आदमी को चुना गया जिसको फांसी की सजा हो गई थी, तो साइंटिस्ट वहां पर पहुंचे और उन्होंने जेल से बात की कि इसको मरना तो है, इस पर हम कुछ क्या कर लें, रिसर्च करें। उस इंसान से बोला गया भाई तुम्हें मरना तो है, फांसी लगेगी तो हो सकता है 5-7 मिनट आप तड़पो, इससे अच्छा है तुम्हें कोबरा सांप से डसवा देते हैं। क्या करते हैं? कोबरा सांप से डसवा देते हैं। तो उस आदमी ने सोचा कि अब मरना तो नहीं, 5-7 मिनट से अच्छा है कि 1 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। उस आदमी ने भी हाँ बोल दिया। जब फांसी का टाइम आया तो उस इंसान को खड़ा किया गया और उसके सामने कोबरा सांप को दिखाया गया। वो इंसान खड़ा हुआ था, उसके सामने कोबरा सांप को दिखा दिया गया। इसके बाद में उस इंसान की आंखों में क्या की? पट्टी बांध दी गई। जब उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई तो उसको बिलीव हो ही गया कि अब तो सांप काटेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। एक स्विच उमो दी गई उसको। क्या किया? एक स्विच उमो दी गई। और जैसे इसको स्विच हुई, उसको क्या लगा? कोबरा सांप है। और उस इंसान ने इतना नेगेटिव सोचा, इतना नेगेटिव सोचा, उस इंसान की डेथ हो गई। ये हमारा पॉसिबल है? लेकिन आप सोचते हो चलो जो काम है वो करना है, तो हो सकता है चांसेस है कि आपको कुछ ना हो, आप सही हो जाओ। हमारा माइंड जो सोचता है, जो विश्वास करता है, वही हमारे साथ घटित होता है। आज आप सोच लेते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इस कंपनी में जॉब करना है, मुझे एमआर बनना है, कुछ भी सोचने से नहीं, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है सक्सेस का, होता है एबीसी। क्या होता है? एबीसी। ए का मतलब है अचीव, बी का मतलब है बिलीव और सी का मतलब है कंसीव। अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें कंसीव करना है, पकड़ना है, दूसरा बिलीव करना है। क्या करना है? बिलीव करना है। तीसरा क्या करना है? अचीव अपने आप को चाहेगा। कहने का मतलब है आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव नहीं है तो लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं वो सब नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्यों जरूरी है? क्योंकि पॉजिटिव से क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों को अच्छा देखते हैं।
आपको गलत जगह पे भी अच्छी चीजें नजर आ जाएगी। लेकिन आप निगेटिव सब माइंडसेट रखते हैं तो क्या होता है कि आपको हर अच्छाई में बुराई नजर आती है। कुछ कराने वाले हैं, आप सबको ध्यान से सुनना है। मैं आपको कुछ एक्टिविटी करके बताऊंगा अपने बॉडी पार्ट से, बोलना नहीं है आपको पर आगे आपको फॉरवर्ड करना है। मैं आपको कुछ बताऊंगा तो वो चीज आपको इनको फॉरवर्ड करनी है, आपको जो भी बताएंगे आप उनको फॉरवर्ड करेंगे, सब एक दूसरे को फॉरवर्ड करते जाएंगे। समझ गए? बोलना किसी को कुछ नहीं है और देखेगा कोई नहीं, जब उसको से बुलाएंगे तभी देखना है। ठीक है, तो आपको कुछ करके बता रहा हूँ, आपको रिपीट करना है, बाकी लोग भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे। ये सामने फॉरवर्ड करना है आपको, देखो यहां से नहीं सब देख रहे हैं। ये तो आई थिंक सबकी होगी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी कमजोरी क्या है? नहीं ये तो एक ही चीज हो गई ना, कमजोरी बताओ कमजोरी। चलो एक बता दिया, एक आप अपनी ताकत बताओ, स्ट्रेंथ बताओ। फोकस आप जल्दी कर लेते हो, वेरी गुड, ताली बजा दो उनके लिए। देखिए मैं आप सभी से बोलता हूँ, आपका अगर मैं पर्सनालिटी टेस्ट लूँ, एक मैं टेस्ट लेता हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। पहले हमें सबसे पहले सेल्फ ऑडिट करना है। क्या करना है? सेल्फ ऑडिट करना है, यानी खुद को परखना है। तो पहला काम क्या करना है आपको, आपको अपनी 5 कमजोरी लिख लेनी है। आप घर पे जाके आज यही काम करिएगा, सबसे पहले आप अपनी 5 कमजोरी लिखें। क्या करें? 5 कमजोरी लिखें। दूसरी 5 स्ट्रेंथ लिखें, यानी ताकत क्या है आपके पास। अब जब आप कमजोरी लिख लेते हैं, ताकत लिख लेते हैं, तो फिर आप कंपेयर करते हैं कि यार जो मेरी कमजोरी है क्यों ना मैं इसको ताकत बना लूं। जिसमें आपको स्टोरी बताई कि मैं ब्लैंक हो गया था, वो मेरी कमजोरी थी, इसलिए मेरी कमजोरी थी, उसको क्या किया मैंने, ताकत बना लिया। सेम चीज आपके पास में बहुत सारी कमजोरियां होगी, जिसको आप लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको सुधारने के चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे साथ माइंड में चल रहा है, लेकिन जब आप कागज पे लिखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि मेरी कमजोरी क्या है। एक्चुअल में जब आपको कमजोरी पता चलती है तो फिर आप उनको ताकत बनाने के लिए काम करते हो। तो पहले तो क्या करना है, कमजोरी लिखना है, फिर ताकत लिखना है। तीसरी चीज, सेल्फ ऑडिट डेली करिएगा।
जब आप शाम को सोते टाइम जाते हो ना, तो क्या आप कभी सोचते हो कि आज मैंने ऐसा दिन में कौन सा काम किया है जिसकी वजह से मुझे खुद पर प्राउड हो रहा है? ऐसा कोई काम सोचते हो आप लोग? कुछ लोग सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको करना चाहिए कि ऐसा आज मैंने दिल में कौन सा काम किया है जिसकी वजह से मुझे प्राउड फील हो रहा है। दूसरी चीज, ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से मुझे रिग्रेट फील हो रहा है या मुझे पछतावा हो रहा है? पहला तो मुझे प्राउड फील हो रहा है, दूसरा मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। तीसरी चीज, ऐसा कौन सा काम था जो मुझे आज करना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाया। जब आप सेल्फ ऑडिट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो प्लानिंग है नेक्स्ट डे चली जाती है और आप फिर प्लानिंग के अनुसार काम करते हैं। हम लोग ना स्कूल टाइम में टाइम टेबल बना लेते थे, याद है सभी को? लेकिन टाइम टेबल को भी फॉलो नहीं करते, ऐसा होता है ना? हाँ, ये सबके साथ होता है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सिर्फ उसको कागज पे लेके आते हैं। हम लोग जैसे एक क्वेश्चन मुझे हर बार पूछा जाता है कि सर हमेशा मोटिवेट कैसे रहे? सबको ये लगता है कि आज तो मैं आ गया और आप हो सकता है एक दो दिन आप अच्छे चार्जर पर रहेंगे कि सर ने मोटिवेट कर दिया थोड़ा सा, चार्जर हो गए, लेकिन दो दिन बाद क्या होगा, वो भूत उतर जाता है, राइट? चार्जर मोटिवेशन क्या होता है, टेम्पररी होता है। मोटिवेशन कैसा होता है, टेम्पररी। अगर आपको परमानेंट मोटिवेट रहना है तो आपको मैं एक टिप्स दे रहा हूं। परमानेंट रहना चाहते हो मोटिवेट आप? ओके, सब लोग रेडी हो? चलिए बताता हूं, परमानेंट मोटिवेट रहने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पर्पस। क्या चाहिए? उद्देश्य। मतलब आप जो भी करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, और उद्देश्य भी मैं आपको बता रहा हूं क्या उद्देश्य होना चाहिए। जब भी आपको डीमोटिवेशन फील हो, डीमोटिवेट फील करें, आप एक चीज सोचिएगा, मेरे मम्मी, क्या हमारी फैमिली को जब हम देखते हैं तो फिर जो मोटिवेशन वर्ड है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको तब तक मोटिवेट नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद नहीं होना चाहिए, am I right? आपको क्या करना है, मम्मी पापा को देखना है कि उनकी जो ड्रीम है क्या मैं पूरे करा सकता हूं। पहली चीज तो हम लोग सोचते हैं कि मेरे ड्रीम है कि मुझे एक आईफोन लेना है, मुझे एक कार लेनी है, मुझे ये जॉब चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, राइट? सब लोग सोचते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ गोल्स आपके तब स्ट्रांग होंगे जब आप मम्मी पापा के लिए करना चाहोगे कि मुझे मम्मी के लिए कार गिफ्ट करना है, मुझे पापा के लिए बंगला गिफ्ट करना है। जब आप ऐसा सोचते हैं ना तो प्रगति ये सोचती है कि ये इंसान दूसरों के लिए सोच रहा है, फिर क्या होता है, आपको वो मिलना शुरू हो जाता है, फिर आप कभी भी डीमोटिवेट फील नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा मोटिवेट रहें तो हम अपने घर के हालातों को एक बार देख लें कि मेरे घर में आज कौन सी कंडीशन है, किस सिचुएशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है कई लोगों के मम्मी पापा बहुत मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं, राइट? यस सर। जब वो उनको हम देखते हैं और ये फील करते हैं कि आज मेरे घर में जो भी कंडीशन है इसको मैं 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ज्यादा बेटर करा सकता हूँ या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर क्या होगा, डीमोटिवेशन कभी नहीं आएगा। एक पर्पस बना लीजिए कि हम अपने घर परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जब ऐसा पर्पस बन जाता है तो फिर कभी भी आपको डीमोटिवेशन नहीं आता। तो आप लोग रेडी हो आज से अपने पर्पस के लिए? यस सर। सच में? यस सर। दूसरी चीज, कोई आपसे बात कर रहा है या तो वो मोबाइल चला रहा है या फिर वो थोड़ा आपको देख लेता है, फेक स्माइल कर देता है। क्या करता है? फेक स्माइल, थोड़ा सा हंस देता है, वो मोबाइल चलाने लगता है, इंटरेस्ट नहीं है। आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी इंसान से मिलने से पहले आप स्माइल बना के चले। क्या बना के चले? स्माइल। स्माइल एक ऐसी चीज है जो भगवान ने हमें फ्री में दी है लेकिन बहुत महंगी है। हम लोगों को ना हंसने के लिए वजह चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? वजह, कि कोई वजह हो तभी तो हम हंसे, लेकिन हंसना हमें बेवजह चाहिए। कैसा हंसना चाहिए? बेवजह, क्योंकि ये फ्री में है ना, इसका कोई रिचार्ज तो होता नहीं है। होता है किसी का रिचार्ज? नहीं होता है। जब आप स्माइल करते हैं तो आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप बताइए कौन से केमिकल रिलीज होते हैं? डोपामाइन। डोपामाइन और सेरोटोनिन। हाँ, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो।
तो जब हम स्माइल करते हैं, हंसते हैं, तो हमारे अंदर कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करें, किसी से मिलें, स्माइल के साथ मिलें। कैसे मिलें? स्माइल के। सबको पता है, कहते हैं कि स्माइल करने से फोटो अच्छी आ सकती है। तो जिंदगी भर स्माइल करेंगे तो पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, राइट? तो स्माइल को हमेशा बना के चलना है, किसी से भी मिलेगा। 1 तारीख से 15 तारीख तक सबसे ज्यादा भीड़ होती है जिम में। कहाँ होती है? जिम में। पता है क्यों होती है? हम लोग रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि अब मैं अपनी हेल्थ पर काम करूंगा। तो जिम में आप हमेशा याद रखिएगा, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सबसे ज्यादा भीड़ होती है। पता है क्यों? आप लोग भी अलग अलग रेजोल्यूशन बना लेते हो कि अब मैं 1 तारीख के बाद ये करूंगा या करूंगी, अब मैं हेल्थ पर काम करूंगा, अब मैं पढ़ाई पर फोकस करूंगा, अब मैं इस प्लान पे काम करूंगा। 1 से 15 तारीख तक भीड़ क्यों होती है पता है? वो थोड़ा सा एक जुनून रहता है कि यार करना है करना है, लेकिन जब हम जिम में जाते हैं तो फिर पेन होता है, होता है कि नहीं? और जब पेन होता है तो फिर हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हमने जीना सीख लिया है कम्फर्ट जोन। कहाँ? कम्फर्ट जोन, मतलब पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेन हुआ तो हम गिव अप कर देंगे। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जिंदगी में वास्तव में सबसे चाहिए है तो पेन से आपको गुजरना पड़ेगा, दर्द से गुजरना पड़ेगा। आप जैसे आपके सर लोग कई बार आपको पनिश करते होंगे, डांटते होंगे, तो आपको बुरा लगता होगा, सर ने ऐसा क्यों किया? वो एक पेन है आपकी अच्छाई के लिए। कैसा? आपकी अच्छाई के लिए। तो आपको जब भी पेन हो रहा है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके लिए अच्छा है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं सभी लोगों से, डर को भगाने का एक तरीका बताओ। डर को भगाने का एक तरीका से डर को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस काम से डर लगता है वही काम करो। क्या? जिस काम से डर लगता है वही करो, क्योंकि डर को भगाने का कोई तरीका नहीं। अगर आपको नहीं माउंटेन ड्यू नहीं है तो पता चला कि आप बाहर के गाड़ी लेके तो कंपनी वाले रिस्पांसिबल नहीं है, ठीक है? एड में भी नीचे लिख के आता है कि हम इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते। पता चला कि हमने टीवी में देखा मोटरसाइकिल लेके पहाड़ पे पहुंच गए, ऋतिक रोशन तो पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है जिस काम से डर लगता है वही काम करो, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको पब्लिक स्पीकिंग से लगता है पब्लिक स्पीकिंग करो, खत्म हो जाएगा। आपको इंग्लिश से लगता है इंग्लिश बोलो, रिजेक्शन आएंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एक टाइम की बात ना, जो गालियां देते हैं फिर वही तालियां बजाते हैं। अपनी स्किल्स दिखा सको। इंटरव्यू एक ऐसा टाइम होता है और एक शादी का टाइम ऐसा होता है कि कम टाइम में जल्दी डिसाइड करना होता है, ऐसा होता है ना कि हमें जल्दी अपने आप को दिखाना होता है। तो हम कितने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर लें कि बहुत जरूरी है। तो आपको खुद को इम्प्रूव करना है, उसके लिए मैं आपको तैयार करूंगा। दूसरी चीज, हमेशा मेरे जाने के बाद भी हमेशा याद रखिएगा, आपको लाइफ में बड़ा करना है तो 2 टिप्स दे के जा रहा हूँ, ठीक है? 2 टिप्स लास्ट। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए पहली बात जिद्दी बन जाओ। कैसे बन जाओ? जिद्दी। छोटा बच्चा देखा है ना, छोटा बच्चा ऐसा होता है, सबके घर में बच्चे होंगे छोटे छोटे, जब उसको कोई खिलौना नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? रोता है। तब तक रोता है जब तक उसे मिल नहीं जाता, पूरे घर को उठा के सर पे रख लेता है। मतलब आप अपने सपनों के लिए जिद्दी बन जाओ। दूसरा, आपने पागल लोग देखे हैं, वो एक कंसिस्टेंसी में जो चीज पकड़ लेते बोलते रहते हैं। अगर आप पागल बन गए ना अपने गोल्स के लिए, फिर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। गॉट इट? तो जिद्दी बनना है और पागल बनना है, ऐसे पागल नहीं कि वो वाले मेंटल पागल, वर्ड यूज किए जाते हैं पागल। कहते हैं ना कि जो एलन मस्क है उनको पागल भी बोलते हैं कि पागल है ये, वो इतना बड़ा पागल है कि वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के कुछ भी कर गया। उसको 3 मिसाइल ब्लास्ट हो गए थे, सब कुछ पूंजी संपत्ति सब लगा दी थी, रेंट पर मतलब घर को गिरवी रख दिया था, उसके बाद में 3 ब्लास्ट हो गए थे, फिर सक्सेस हुआ था। सेम चीज आपको भी करना है,
कि हमें पागल बनना है, रिजेक्शन कितने भी आए, एक इंटरव्यू गया जाने दो, दो जाए जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर रिजेक्शन से डर लगने लगा तो आप कंफर्ट जोन में नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं रहना, क्योंकि आप ऐसे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहाँ से और भी बच्चे बहुत बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे गए होंगे, राइट। तो हमेशा मोटिवेशन को मजाक नहीं बनाना है, मोटिवेशन हमें लाइफ में फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है ना, हमारी जिंदगी को चलाने के लिए मोटिवेशन नाम की फ्यूल की जरूरत होती है। ओके, तो एक बार लास्ट में सब लोग खड़े हो जाइए, लास्ट एनर्जी के साथ में हम एंड करेंगे। एक मेरा मोटिवेशन जिंगल है, हर वीडियो में मिलेगा आपको, बच्चों के साथ कराता हूँ। आपको क्या करना है, मेरे साथ में एक्टिविटी करना है, चाहिए पूरा कॉलेज गूंजना चाहिए, ठीक है। एक बार और लास्ट, थैंक यू सो मच। क्या होता है, जब हम अंदर से अच्छा फील करते हैं, थोड़ी एनर्जी आते हैं, तो फिर हमारे अंदर अच्छी चीजें आने लगती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मोटिवेशनल सेमिनार हुआ था, ऐसा नहीं है क्लास चल रही थी सर ध्यान दे के चले गए, भाई छतरपुर से आया हूँ तो मुझे सागर की एनर्जी भी तो देनी है, वो की कल्ली में सागर में एनर्जी है। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया है यहाँ पे आने का।